अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी मुर्गी असील जो आपको पता है हमने कल को कुड़क हो गई थी, तो आज माशाल्लाह से वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे दोस्तों कुड़क हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसको जो है आज हम अंडों पर बिठाने लगे हैं, ठीक है। मैं आपको चले मुर्गी पहले दिखा देता हूँ, मुर्गी कहाँ पर बैठी और किधर मैं बिठा रहा हूँ वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो आपने दोस्तों लास्ट तक देखनी, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो चले मैं आपको जो है अपनी सील मुर्गी दोस्तों दिखा देता हूँ। राम राम से। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह हमारी मुर्गी ये देखें बिल्कुल जो है अंडों पे, एक ही अंडा पड़ा हुआ है इसके नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये, ठीक है, इसके ऊपर ये बैठी हुई है और ये देखें माशाल्लाह फुल कुड़क होकर बैठी हुई है। तो चलिए मैं इसको उस वाली साइड में बिठा रहा हूँ जो उधर एक लोहे वाला केज है दोस्तों, उसमें तो इंशाल्लाह उसमें चलें बिठाता हूँ। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है बस। तो वो भी मैं यहाँ पे दोस्तों हमने इस केज में जो है अपने मुर्गी का जो है वो मुर्गी को कुड़क बिठाना है, वो मैंने जगह बना दी है। तो अब इसमें मैंने क्या किया, साइडों पर जो है ईंटें लगा के इसके अंदर मैंने ये जो बोरी पड़ी हुई थी इसका थोड़ा सा पीस रख दिया है। उसके अंदर दोस्तों हम डाल रहे हैं तूड़ी, क्योंकि ठंड है तो इसलिए हम तूड़ी डाल रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें इंशाल्लाह फिर इसमें अंडे रख के मुर्गी को जो है मैं बिठा दूंगा यहाँ पे। तो ये दोस्तों असील के माशाल्लाह हमारे अंडे, इसमें जो है अभी 11 अंडे हैं, एक अंडा उसके नीचे ही पड़ा हुआ, वो मैंने उठाया नहीं था, मैंने कहा चलें रखा रहने देते हैं। तो 11 अंडे दोस्तों ये हैं और बाकी एक अंडा जो है वो उसी के नीचे पड़ा हुआ। तो चलें ये अब अंडे रखने की बारी, अंडे जो है हम रख देते हैं। माशाल्लाह हमारी मुर्गी जो है अंडों पे बैठ चुकी है, तो इसने दर्जन अंडे दिए हैं, पूरे के पूरे 12 अंडे दिए हैं। हो सकता है कि ये एक अंडा एक आधा अंडा और दे दे। तो अब ये यहीं बैठ रही है कि दरवाज़ा जो है इसका केज का जो डोर है वो खुला रहेगा और दाना पानी मैं बाहर रख दूंगा यहाँ पे। तो फिर इस जब दिल करेगा ये दाना खा लेगी, जब दिल करेगा ये पानी पी लेगी। तो माशाल्लाह ये अंडों को जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना ये हीट दे देगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सर्दियां आ रही हैं, तो मैंने आपको बताया भी था काफ़ी वीडियोस में कि मैं सर्दियों के लिए थोड़ी दोस्तों यहाँ पे ला के जो है अपनी मुर्गियों के लिए डाल दूंगा, ताकि हमारी मुर्गियाँ ठंड से भी बची रहें। और ये देखें ये मैंने थोड़ी डाली है इसमें, ठीक है। ये आपको किसी भी जो चारे वाली दुकान होती है उससे बड़ी आसानी से मिल जाएगी है। तो अंदर भी मैंने डाल दिए जहाँ पर मुर्गी अंडा देती है, ये देखें। तो ये पूरे केज में जो है मैंने अच्छी तरीके से फैला दी है। तो चले मैं आपको अपनी असील मुर्गी दिखाता हूँ दोस्तों, वो किस तरीके की बैठी हुई माशाल्लाह कैसे बैठी हुई मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गंद निकला था इसमें से, मैंने दोबारा सफाई कर दी। तो एक दफ़ा मैंने कहा छत पे से दोबारा झाड़ू मार के इसमें सारा गंद भर देंगे। इसमें नहीं बिठाई मैंने, बिठाई दोस्तों इसमें, ये देखें ऊपर मैंने ये जो दरी थी ये डाल के इसके ऊपर पटर रख दिया। तो जो हमारे पास प्लास्टिक शीट बची थी दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली शीट में, पिछली वीडियो में, तो वो भी मैं इसके ऊपर जो है ला कर डाल दूँगा, ताकि अगर बारिश वगैरह है तो हमारी मुर्गी सेफ रहे, ठीक है। तो चले मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ। तो
ये दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें हमारी मुर्गी जो है, ये देखें ये बैठी हुई है अंडों पे। दुआ कीजिएगा दोस्तों कि इस दफ़ा जो है हमारे जो चूज़े हैं वो सारे के सारे निकले हैं। पिछली दफ़ा आपको पता है सारे के सारे अंडे ख़राब हो गए थे। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा इधर से अच्छी तरीके से खोल के। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह हमारी मुर्गी, ये देखें। तो इसके नीचे दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने 12 अंडे रखे हैं, इसने 12 ही अंडे दिए थे। तो दोस्तों आज डेट है 28 तारीख, ठीक है, अगले महीने की 4 से 5 तारीख का जो है हम इसकी अंडों की कैंडलिंग करेंगे, मतलब कि इन अंडों को चेक करेंगे क्या इनमें अंडों में बच्चे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बनने स्टार्ट हुए हैं या नहीं स्टार्ट हुए। तो इंशाल्लाह ये हम एक हफ़्ते बाद जो अपना काम शुरू करेंगे, इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अंडे फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं, ठीक है। तो बाकी ये देखें माशाल्लाह मुर्गी जो है, ये देखें ये इसके नीचे अंडे पड़े हुए हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ 12 दोस्तों अंडे हैं ये, इसी के इसके सारे के सारे अंडे इसी के अपने हैं, इसमें मैंने कोई देसी वगैरह का किसी का जो है अंडा नहीं रखा है। ये सारे के सारे बिल्कुल असील प्योर असील है, वो भी इसी मुर्गी के, ठीक है, जो असील मुर्गा हमने लगाया था और इस मुर्गी के ये, ठीक है, इस पेयर के जो है ये 12 के 12 अंडे हैं वो मैंने रख दिए। ये देखें मैंने जो तूड़ी डाली है दोस्तों, ये मुर्गियाँ जो हैं यहाँ पर आके खेलना शुरू हो गई हैं, ये देखें। तो अब इस, तो ये जो मुर्गा देख रहे हैं दोस्तों, इस मुर्गे के साथ लगाई थी ये वाली मुर्गी जो कुड़क बैठी है, आपको पता ही है। तो बाकी एक सवाल मैंने आपसे ये पूछना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये लाजमी बताएं कि ये जो हमारा मुर्गा है इसको हम अलहदा केज में रखें या फिर इन मुर्गियों के साथ ही रहने दें, ये आप मुझे लाजमी कन्फर्म करके बता दें। तो ये देखें माशाल्लाह। तो ओके दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दें और फिर चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपका जवाब दे दूँ या फिर उस पर वीडियो भी बना दूँ। तो और इंस्टाग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो नहीं किया तो जाएँ जल्दी से जाके फॉलो कर लें, तो उस पर भी जो है आप मुझसे सवाल जो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।